अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको चिकन चिली ड्राई विद राइस उसकी रेसिपी जो है हम आपको बताएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि उसे जो है वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपने कढ़ाई में जो है वो ऑयल डालना है और फिर अदरक लहसुन उसका पेस्ट जो है उसके अंदर आपने उसको फ्राई करना है। अब हम इसमें जो है जी ये फ्राई हो रहा है, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो डालेंगे कढ़ाई में और उसको थोड़ी सी देर जो है हम उसको पकने देंगे। पानी जैसे ही हमारा जो है वो पानी पक जाएगा तो उसके बाद फिर हम जो है इसके अंदर चिकन जो है वो हम डालते हैं, फिर हम चिकन जो है उसको इसके अंदर जो है वो फ्राई करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि चिकन जो है आपने पहले से जो है वो बॉयल करके जो है अपने पास रखना है। ये चिकन जो है उसको हम फ्राई कर रहे हैं कढ़ाई में जो है। अच्छा, इसमें फिर आपने हसब ज़ायका जो है नमक, चीनी, काली मिर्च और हरी मिर्च जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। और ये हम कॉर्नफ्लोर जो है इसके अंदर जो है वो हम डालते हैं। कॉर्नफ्लोर के बाद फिर हम इसके अंदर सोया सॉस जो है वो ऐड करते हैं, फिर थोड़ी सी जो है वो आपने केचप का जो है इसके अंदर जो है ना वो टच देना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर हरी मिर्च, काली मिर्च, चीनी, नमक ये आपने अपने हसबे जायका जो है आपने इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करना है। ये देखें चिकन चिली ड्राई विद राइस जो है उसका जो है हम उसे जो है वो तैयार कर रहे हैं। कॉर्नफ्लोर आप अपने मुताबिक जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आप चाहें, जैसे आप उसको गाढ़ा करना चाहें या जो है ना वो। ये तैयार हो चुका है हमारा। अब हम आपको बताते हैं कि चाइनीज़ राइस जो है वो इसके साथ हम कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले आपने कढ़ाई में ऑयल जो है वो डालना है, उसके बाद फिर आपने अंडा जो है वो फेंट के जो है इसके अंदर जो है वो डालना है, फिर अंडे को आपने इसके अंदर जो है वो अच्छे तरीके से जो है उसे मिक्स करना है। जी देखें ये अंडा है, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना इसके अंदर जो है ना वो मैश कर लेना है और मिक्स करना है आपने इसको। और दूसरा आपने जो चावल जो है उसको भी आपने बॉईल करना है। पहले ये प्रोसीजर करने से पहले आपने चावल जो है वो बॉईल करके अपने पास रखने हैं। ये चाइनीज़ कैरेट है, ये चाइनीज़ गाजर जो है हम इसके अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखें जी चाइनीज़ गाजर जो है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें जो है। जी अब हम इसमें जो है वो चावल ऐड करेंगे। ये देखें जी चावल इसमें हम डाल रहे हैं। अब हम जो है अंडा और जो कैरेट जो है उसको हम चावल के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से जो है हम उसे मिक्स करेंगे। आपने इसको मिक्स करना है, इसमें आपने थोड़ा सा जो है वो सॉल्ट, नमक जो है आपने उसको भी जो है वो इसके अंदर जो है वो ऐड कर लेना है। जी ये देखें अब हम इसके अंदर नमक जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। नमक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च जो है वो भी हम इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आपने अपने हसबे ज़ायका जो है इसका जो है ना इसके अंदर आपने जो है इस्तेमाल करना है। जी ये देखें ये चाइनीज़ चावल जो है वो तैयार हो रहे हैं। इसको ये देखें इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई करते हैं। इसमें आपने फ्राई करने के दौरान आप जो है इसके अंदर हरा थोम जो है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ये जी हरा थोम है आपने उसको भी जो है ना इसके अंदर ऐड कर लेना है।